तिवारी जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जिला अध्यक्ष बने, आपका जो सपना था इतने सालों से वो पूरा हो गया है। गहलोत जी ने जो इतने सालों से अपने सपना देखा था उसको पूरा कर दिया है, तो आगे जो ये चुनावी साल रहने वाला है इस पर आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय खड़के साहब को, सोनिया जी को, राहुल जी को, और हमारे राजस्थान के प्रभारी हमारे रंधावा साहब को, सह प्रभारी हमारी अमृता धवन जी को, और विशेषकर राम बलराम की जोड़ी के रूप में जो जननायक अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले 4.5 साल में राजस्थान की जनता की जन समस्याओं को लेकर के जन सुरक्षा का जो एक नया वातावरण पैदा किया है, वो वातावरण पूरे राजस्थान में है। देश में कहीं ऐसी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी योजना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वो बड़ बोले प्रधानमंत्री हो, चाहे चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हो, और चाहे जो अपने अपने राज्य की सत्ता नहीं बचा पाए नड्डा साहब हो, उनके दिमाग में केवल पूंजीपतियों का साथ देने का जो उनका एक संकल्प है, और वहीं राजस्थान में और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व नई एक ऊर्जा लेकर के आया, और उसका परिणाम है कि हमने हिमाचल प्रदेश को जीता, हमने कर्नाटक को जीता, कितना ही रोड शो कर ले देश के प्रधानमंत्री, एक चेहरे पर आप कब तक देश के लोगों को लूटोगे, वोट के माध्यम से देश की सत्ता पर आप कब्जा करके अपने पूंजीपति मित्रों को आप लाभ पहुंचाना चाहते हो, तो गरीब को 500 रुपए का सिलेंडर तो राजस्थान का जननायक दे रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने 500 रुपए में सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, आपने दे तो दिए उनको उज्ज्वला योजना में, लेकिन उनके पास में पैसे नहीं है 1250 का। देश में केवल राजस्थान ऐसा राज्य जिन्होंने गारंटी कानून बनाया चिकित्सा का कि 25 लाख रुपए तक का अगर तुम्हारा खर्चा होगा तो शून्य आएगा, और राजस्थान पहला प्रदेश है जहाँ हमने किसानों को 2000 यूनिट निःशुल्क दिए। राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ हमने दुधारू पशुओं के ऊपर, जो हमारा गांव का किसान है, कृषि आधारित हमारा जो प्रदेश है, हमने दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर अलग से बोनस दिया है, हमने 1000 रुपए मासिक, और हो सकता है इसी विधानसभा में एक संकल्प आ जाए कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पे प्रत्येक व्यक्ति को जो सीनियर सिटीजन है 1000 रुपए मासिक, जो अभी हमारा सत्र चलेगा, ये योजना लाने वाले जननायक अशोक। जननायक अशोक फिर कहता है कि सरकार का कर्मचारी अगर 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो जरूर नहीं उसका बेटा बेटी उसका पालन पोषण करे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने केंद्र के सरकार के कर्मचारियों, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारियों, उनका उन्होंने पेंशन हटा दी थी। जननायक अशोक फिर कहते हैं बुढ़ापे का सारा मैं हूं तुमको, मैं पेंशन दूंगा, उसका हमने बिल पास किया, और उसके आधार पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक वातावरण बना है कि ये पूंजीपतियों का साथ देते हैं, कर्मचारियों का साथ नहीं देते हैं। तो चहुमुखी विकास है, सड़कों का जाल बिछाया, पानी का जाल बिछाया, जी जी, शिक्षा का जी। ये तो देखिए, ये कांग्रेस का जो विकास है जो हम लोग करते आ रहे हैं इसकी बात थी, आप जिला अध्यक्ष बने हैं, अब आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? जो विश्वास मुझ पर हाईकमान ने, जो विश्वास मुझ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी ने, जो विश्वास अमृता धवन जी ने, और जो विश्वास हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष डोटासरा जी ने रखा है, मैं उस विश्वास पर मेरे उन साथियों के भरोसे, अकेला कुछ नहीं होता, संगठन से नेता बनता, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता, और आज देखना मेरे साथ में वो साथी है। मैं तो 78 में जब मैं 22 साल का था, इंदिरा जी मेरी आई कौन थी, उनको चरण सिंह जी की सरकार ने 3 दिन की जेल की सजा दी, राजस्थान में पंडित नवल किशोर जी शर्मा ने जेल भरो आंदोलन चलाया, मैं स्वतः स्फूर्ति से मैंने खुद ने गिरफ्तारी दी, और राजस्थान के केंद्रीय कारागार में मैं 10 दिन रहा। आज वो साथी भी जो मेरा 40 साल पुराना साथी है, आज वो मेरे स्वागत के लिए है, इसका मतलब कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो घर में बैठा था, जो कह रहा था कि हमसे कोई बात नहीं करता क्योंकि पीढ़ी का परिवर्तन हो गया, आज उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, और उसी आशीर्वाद पर और नौजवानों की टीम जो मेरे साथ चलेगी, सीनियर और जूनियर मध्यम सबको साथ लेकर के मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, जयपुर में जो हमने 3 सीटें लूज की थी 2018 में, अब की बार 2023 में हम 3 सीटें जीत करके
राजस्थान की राजधानी को भारतीय जनता पुट राजधानी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे खास बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए, ये थे हमारे साथ आर आर तिवारी जी।